मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भतीजे और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के बेटे आदित्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आदित्य विक्रम सिंह पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। वे TI के मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ते और फिर सिगरेट के कश लेते हुए महिला SDOP दीपा डोडवे और TI जुबेर खान को धमकी भी देते हैं। कहते हैं कल पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, तुम्हारा घर फूंक दूंगा। जानकारी के अनुसार ये मामला शुक्रवार को राधोगढ़ के कैनरा बैंक तिराहे का है। मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत तिराहे पर JP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स द्वारा नाटक नुक्कड़ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान वहां थाना प्रभारी राघोगढ़ जुबैर खान, पुलिस स्टाफ और कॉलेज के मैनेजमेंट के लोग मौजूद थे। इस दौरान पूर्व CM दिग्विजय सिंह के भतीजे और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के बेटे आदित्य विक्रम सिंह और उधम सिंह राजपूत ने आकर हंगामा कर दिया। आदित्य के हाथ में सिगरेट थी, हंगामा करते हुए वे सिगरेट पी रहा था। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की, TI जुबैर खान के मुंह पर सिगरेट का धुआं भी छोड़ा। इतना ही नहीं, सिगरेट के कश लेते हुए TI जुबैर खान और महिला SDOP डोडवे को धमकी देते हुए कहा कि कल पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, तुम्हारा घर फूंक दूंगा। आदित्य विक्रम सिंह की ये दादागिरी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राघोगढ़ थाना प्रभारी की शिकायत पर आदित्य विक्रम सिंह और उनके ड्राइवर उधम सिंह राजपूत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वायरल हो रहे वीडियो में आदित्य विक्रम सिंह नाटक कर रहे हैं, बच्चों को भी धमकाते नजर आ रहे हैं। वे वीडियो में कहते सुनाई दे रहे हैं, हो गया प्रोग्राम, चलो जाओ यहाँ से। SDOP दीपा डोडवे ने बताया कि आदित्य विक्रम के खिलाफ अभद्रता करने का केस दर्ज किया जा चुका है। अभी के लिए बस इतना ही। वायरल हुए इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल खबर विभाग को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।